होशियारपुर के गढ़शंकर में पहुंचे लोकसभा आनंदपुर सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे मनीष तिवाड़ी ने आज जगमीत सिंह बराड़ पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि हालांकि वो हमारे सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन वो यदा समय एक पार्टी में नहीं रहते, ये उनकी फितरत है और अब देखना ये होगा कि 19 मई के बाद वह कौन सी पार्टी में जाते हैं। वहीं उन्होंने साध्वी प्रज्ञा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भाजपा वाले इस देश में फिरका प्रस्ती फैलाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिस पर देश की अदालतों में केस चलते हैं। इसलिए ये साफ सिद्ध करता है कि वो मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते, इसलिए देश में फिरका प्रस्ती फैलाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए बराड़ साहब अपने साडे मित्र ने, साडे पुराने साथी रहे ने, पर बराड़ साहब दी ये फितरत है वो ज्यादा देर किसी पार्टी टिकदे नहीं हैगे। कल अकाली दल च गए ने, हुण ये वेखना हैगा कि वो 21 मई तक या 19 मई तक जो वोटां पैंदियां ने अकाली दल च रहिंदे ने कि किसी होर पार्टी च तुर जांदे ने। देखो भारतीय जनता पार्टी वाले इस मुल्क च फिरका प्रस्ती फैलाउणा चाहुंदे ने, इसलिए उन्होंने एक अहिजे व्यक्तित्व नू टिकट दिता है या टिकट नाल सवारिया है जिसते बड़े संगीन फौजदारी दे मुकदमे चल रहे ने और वो मुकदमे अजे अदालत च ने और ये साफ साफ एक संदेश है कि इस चोण नू भाजपा वाले और अकाली दल उन्हां दा भाईवाल है वो मुद्दिया ते नहीं लड़ना चाहते, अपने लेखे अपने ट्रैक रिकॉर्ड से नहीं लड़ना चाहते, वो इस मुल्क दे विच फिरका प्रस्ती फैलाना चाहते और कम्यूनल। जागृति लहर के लिए गढ़शंकर से दलजीत अजनोहा की रिपोर्ट।